हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब। तो आज है 12 अक्टूबर और फाइनली तो आज है वो दिन जिसका इंतजार मैं कर रहा था तकरीबन 7 महीनों से। और आज हम जाने वाले हैं बैजूधाम, और बैजूधाम जाके हम अब शूट करने वाले हैं राम जी वाले आर्टवर्क का बी रोल, और जो भी ड्रोन शॉट होगा सब शूट करेंगे। तो लेट्स गो। लेकिन जरा रुकिए, आप सीधा आर्टवर्क और ड्रोन शॉट देख लेंगे, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। इसके पीछे की कहानी और हमारी मेहनत भी तो देखना जरूरी है ना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 23 मार्च 2023 से, जिस दिन मैंने सोचा था रामनवमी के शुभ अवसर पे मैं बनाऊंगा प्रभु श्री राम का आर्टवर्क। वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट प्रभु श्री राम का आर्टवर्क बनाएंगे, लेकिन हमें कुछ करना था उन सबसे अलग। इसलिए हम प्रभु श्री राम को छोटा आर्टवर्क नहीं बल्कि बहुत बड़ा आर्टवर्क बनाएंगे। आइडिया तो अच्छा था हमारा, लेकिन चीजें इतनी आसान भी नहीं थी। इस आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जरूरी था एक अच्छे से रिसर्च और प्लानिंग की। जैसे कि बोले तो साइज ऑफ आर्टवर्क, रेफरेंस इमेज, मीडियम और काफी सारी चीजें। और फिर हम आराम से बैठ के इसकी करते हैं शुरुआत। पिंटरेस्ट पे सैकड़ों इमेज देखने के बाद हमें मिलता है एक ऐसा राम जी की तस्वीर जैसा हम चाह रहे थे। फिर फोटोशॉप में लाकर करते हैं हम इसमें कुछ एडिटिंग, और फिर ग्रिड मेकर ऐप से ड्रॉ करता हूँ ग्रिड। रेफरेंस इमेज तो हमारा रेडी हो गया था, लेकिन आर्टवर्क बहुत बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए हमें जरूरत होगी बहुत सारे पेपर की, जो कि हमारे पास नहीं है। तो पेपर लाने के लिए हम चल जाते हैं अपने गांव से अपने शहर गया की तरफ। गया के जीबी रोड मार्केट में आते ही हैं कि हमारा सामना हो जाता है ट्रैफिक जाम से। तो अब हम मिलते हैं आपसे सीधा घर पे। हम टोटल 80 चार्ट पेपर लेकर आए, और हमें आर्टवर्क बनाने के लिए जरूरत होगी 70 चार्ट पेपर की। अब इतने बड़े आर्टवर्क को हम टेबल पे रख के तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें अरेंज करना होगा रूम के सामान को, ताकि हम फ्लोर पे बैठ के काम कर सकें। चार्ट पेपर रिटेंगल शेप में है, लेकिन हमें जरूरी है पूरे स्क्वायर शेप पेपर की, इसलिए हम अच्छे से मेजरमेंट करके पेपर का स्क्वायर शेप में कट कर देते हैं। पेपर काफी ज्यादा था, तो इसे कट करने के लिए हमारा साथ देने के लिए आ जाते हैं दो नन्हे बच्चे। अब शुरू करते हैं हम स्केचिंग का कार्यक्रम। तो अभी मैं यूज कर रहा हूं कैमलिन का चारकोल स्टिक और साथ ही चारकोल पेंसिल इस आर्टवर्क को बनाने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि आप म्यूजिक का आनंद लीजिए और प्रभु श्री राम का आर्टवर्क बनते देखिए।
तो अभी बज रहा सुबह के 5 और पूरी रात स्केचिंग करने के बाद ये हालत हो गई है मेरे हाथ की। तो जो अभी बचा पार्ट है उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली हमारा स्केच हो गया है कंप्लीट और ये हालत हो गया है मेरे रूम का और मेरे हाथ और पैरों की। जैसा कि आपने देखा स्केचिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसमें मैंने भगवा झंडा नहीं बनाया है। तो अभी मैं अपने आप को और अपने रूम को क्लीन करके वापस से शुरुआत करता हूँ ड्रॉ करना। आर्टवर्क तो कंप्लीट हो गया था हमारा, लेकिन अब आता है सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। 30 मार्च को जब मैं और मेरा दोस्त सुशांत सुबह सुबह निकलते हैं आर्टवर्क को लेके रामनवमी के दिन इवेंट के लिए, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। हमें वापस निराशा के साथ आना पड़ा। हमारा आर्टवर्क और हमारी मेहनत इन कागजों के बीच रह गया। लेकिन बोलते हैं ना कि वक्त बदलता है, तो वैसे हमारा वक्त भी बदला। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब। तो आज है 12 अक्टूबर और फाइनली तो आज है वो दिन जिसका इंतजार मैं कर रहा था तकरीबन 7 महीनों से। और आज हम जाने वाले हैं बैजूधाम और बैजूधाम जाके हम अब शूट करने वाले हैं राम जी वाले आर्टवर्क का बी रोल और जो भी ड्रोन शॉट होगा सब शूट करेंगे। तो लेट्स गो। तो हम सुबह सुबह तैयार होकर चल लेते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि मेरे घर से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है, सुबह की धूप और प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हुए। फाइनली हम आ चुके हैं लोकेशन पे और अभी शूट करेंगे ड्रोन से वीडियो अपने आर्टवर्क का। और सब कुछ सेटअप हो गया है हमारा और ये रहा हमारा लोकेशन जहाँ पे हम शूट करने वाले हैं। और ये इधर है बैजूधाम। तो ये अभी उड़ान भर लिया है ड्रोन ने और आसमान से इस जगह का नज़ारा कुछ ऐसा है। अब शुरू हो जाता है त्रिपाल के ऊपर आर्टवर्क अरेंज करने की प्रक्रिया। फाइनली एक घंटे की कड़ी मेहनत धूप में तपकर और पसीने से भीगकर कंप्लीट हो गया। तो अब आपको देखने को मिलेगा फाइनल रिवील। हाँ जी, तो ये आर्टवर्क आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर स्पैम कर देना और इस वीडियो को दबा के शेयर करना अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।